नमस्ते डियर फ्रेंड्स, मैं साधक मुकेश और योगिक लाइफस्टाइल में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज जानते हैं मेरे साथ कौन है, एक ऐसी शख्सियत जिसने भारतीय संस्कृति को, भारतीय संगीत को चरम तक पहुंचाने का काम किया, जो सारेगामापा जी टीवी फेम के लाजवाब सिंगर रहे हैं, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लाजवाब सिंगर आज मेरे साथ हैं। और उनका नाम मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, बट मेरे साथ हैं फरीद हसन। तो आइए उनसे कुछ मुखातिब होते हैं, दो बातें करते हैं, क्या उनका अनुभव रहा और क्या वो भी योगाभ्यास करते हैं, और उनसे कुछ सुनेंगे भी जरूर। आइए फरीद हसन। संगीत की शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम, और रागी जो सुनावे राग मधुर, रोगी को मिले आराम। क्या बात। तो संगीत और योग ये एक ही चीज़ है, बिना संगीत के योग नहीं हो सकता और बिना योग के संगीत नहीं हो सकता। आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहिए, रखना पड़ेगा, आपकी सांस कंट्रोल होनी चाहिए, आपका माइंड कंट्रोल होना चाहिए। ओ याद पिया किया है, याद पिया किया है, ओ ये दुख सहना जाए है, याद किया। मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ, और आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुकेश भाई जो कि योग गुरु हैं, मेरे भी योग गुरु हैं, और जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं योगिक लाइफस्टाइल को लेकर के, वो तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनको कि जिस तरीके से वो खिदमत कर रहे हैं हमारे देश की इस हेरिटेज को लेकर के। मैं भी इस देश की हेरिटेज के लिए काम करता हूं, अपने कल्चर के लिए काम करता हूं, शास्त्रीय संगीत गाता हूं, तो एक हेरिटेज मेरी जिम्मेदारी है, एक हेरिटेज जो है वो योगिक लाइफस्टाइल के द्वारा मुकेश भाई की जिम्मेदारी है। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं उनके लिए, और मैं दुआ करता हूं कि वो दिन पर दिन ऐसे ही तरक्की करते रहें और सब लोगों को स्वस्थ बनाते रहें। और आप स्वस्थ रहिए, योग करते रहिए, मेरी शुभकामनाएं। सजना रे तेरे बिन जिया मोरा नहीं लागे, तेरे बिन जिया मोरा नहीं काटू कैसे तेरे बिन रतिया, तेरे बिन जिया मोरा नहीं लागे, तेरे बिन जिया मोरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये थे फरीद भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप वाचिंग योगिक लाइफस्टाइल, थैंक यू, टेक केयर।